गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को और देखा था डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज वेल वर्नर थ्योरी को, ठीक है। साथ ही हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से रिलेटेड टर्म्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे एज वेल उनकी डेफिनेशन को हम डिफाइन भी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर विद टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स हमारे पास होंगी उनको हम एक्सप्लेन करेंगे एज वेल उनकी डेफिनेशंस को भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं जो रिलेटेड होती हैं आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर। इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर तो हम यहां पे क्या कहेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम पे लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल देखा था कि मेटल के साथ में आपके लिगेंड्स जो होते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके ज्वाइंट होते हैं विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल कोबाल्ट NH3 का होल 6 हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल है 3 पॉजिटिव के साथ में। या फिर एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं K4 FeCN6, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, ठीक है, जिसमें हमें दो टर्म्स सीखनी है, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे, द पार्ट विच इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, वो पार्ट जो कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होता है जिसमें आपकी मेटल के साथ में बहुत सारे नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, वो पार्ट कंसिडर किया जाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, द पार्ट विच इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और वी कैन से द पार्ट इन विच नंबर ऑफ लिगेंड्स अरेंज्ड विथ मेटल, जिसमें क्या होगा बहुत सारे नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के साथ में अरेंज होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, इनक्लोज्ड इन, जो कि आपका इनक्लोज्ड होता है इन स्क्वायर ब्रैकेट में। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन आपके पास बच जाएगी। क्या कहा हमने कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड मतलब डोनर स्पीसीज, लिगेंड के बारे में भी हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे आज के लेक्चर में, द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर जॉइंड और अरेंज्ड विद सेंट्रल मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि आपका इनक्लोज होता है स्क्वायर ब्रैकेट में पार्ट, ठीक है, समझ गए। तो इस पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर, ठीक है। तो अब से आप लोगों को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी हमारे पास में एग्जाम्पल बनेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का उसमें जो पार्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होता है और कौन सा पार्ट होता है, केवल दो चीजें, एक मेटल और एक लिगेंड, जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड जो होते हैं वो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके उसके साथ में अरेंज रहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट बचा कौन सा, आयनिक स्फीयर, यानी कि आयनिक एंटिटी कौन सी होगी, तो हम कहेंगे आउटसाइड ऑफ द इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में पार्ट है उसके आउटसाइड, यानी या तो इस तरफ या इस तरफ, ये पोटेशियम यहां बना हुआ है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है, या इस तरफ जो हमारे पार्ट होते हैं जो आयनाइज हो सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होती है, ठीक है, वो पार्ट आपका कंसिडर किया जाएगा आयनिक स्फीयर। क्या कह रहे हैं हम, द पार्ट विच इज आयनाइजेबल, जो कैसा होता है, आयनाइजेबल होता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज पार्ट आपका नॉन आयनाइजेबल होता है, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी, हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस किया था। द पार्ट विच इज आयनाइजेबल एंड रिटर्न, जो कि रिटर्न होता है आउटसाइड ऑफ द
आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे बना हुआ है इसके आउटसाइड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज वेल, वो आयनाइजेबल पार्ट होता है, आयन्स में डिसोशिएट होता है, जब भी इसे एक्वस मीडियम में डिसोल्व करते हैं तो वो पार्ट आपका आयनिक स्फीयर होता है, नोन एज आयनिक स्फीयर और आयनिक एंटिटी और आयनिक एंटिटी, ठीक है। तो यहां पर आपने दोनों में डिफरेंस समझ लिया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड व्हाट इज आयनिक स्फीयर, द पार्ट विच इज इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर के अरेंज होते हैं उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के जो अदर पार्ट होता है आउटसाइड पार्ट होता है कि ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, यहां भी कभी कभी एटम्स होते हैं आपके Cl2 Cl3 कुछ भी, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरफ जो पार्ट लिखा जाता है वो लिखा जाता है नेगेटिव काउंटर आयंस, ठीक है, यानी इस तरफ कौन सा होता है नेगेटिव काउंटर आयन पार्ट होता है और इस तरफ कौन सा होता है पॉजिटिव काउंटर आयन पार्ट आपके पास होता है। तो आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट जो पार्ट आपका है वो हमेशा आयनाइजेबल होगा, आयंस में डिसोशिएट होता है, वो पार्ट ऑलवेज कंसिडर किया जाएगा आपका आयनिक स्फीयर में, ठीक है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम टर्म नंबर टू पे चलते हैं, दैट इज सेंट्रल मेटल आयन। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड टर्म जो हमारे पास होगी मेटल आयन। चलिए सेकेंड टर्म हमारे पास होगी मेटल आयन, अब बताइए आपके पास एग्जाम्पल है ही स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज पार्ट, यहां पे कोई भी पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, यहां पे कोई लिगेंड आपका है नंबर ऑफ लिगेंड जो अरेंज होता है मेटल के साथ, और यहां पे आपका नेगेटिव काउंटर आयन होता है, ठीक है। तो अब यहां पे आपसे ये बोला गया है कि व्हाट इज मेटल आयन क्या है, ठीक है। तो मेटल आयन के बारे में आपको काफी कुछ तो ऑलरेडी पता भी है, मैं आपको बता देता हूं, द स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज, आइदर न्यूट्रल और कैटायनिक, स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होगी, या तो वो न्यूट्रल होगा जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, या फिर वो कैसा होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, विच इज जॉइंट विथ नंबर ऑफ डोनर स्पीसीज, जो कि डोनर स्पीसीज के साथ जॉइंट होता है। डोनर स्पीसीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, लिगेंड कहेंगे, ठीक है, जो कि जॉइंट होता है आपका नंबर ऑफ डोनर स्पीसीज के साथ विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड के साथ जॉइन होता है, विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, नोन एज मेटल आयन, क्या कहेंगे उसे हम, मेटल आयन कहेंगे। तो मेटल आयन क्या हमारे पास में, मेटल आयन आपके पास में कोई भी न्यूट्रल या कैटायनिक चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है जो कि आपकी अरेंज होती है किसके साथ, नंबर ऑफ लिगेंड के साथ में अरेंज होती है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मेटल आयन। मेटल आयन की अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, मेटल आयन पे अगर मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो हम कहेंगे दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या कह रहे हैं हम इसे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका मतलब यह हुआ कि मेटल आयन आपके पास में वो स्पीसीज है जो कि डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, एंड अकॉर्डिंग टू द लुइस, हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लुइस दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नोन एज लुइस बेस, उन्हें हम क्या कहेंगे, लुइस बेस कहेंगे। मान लीजिए कि मेटल आयन आपका यहां पर आपका प्रेजेंट है और ए आपका अरेंज किसी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज के साथ कांटेक्ट में आता है, मान लीजिए वो आपका क्या है, लिगेंड ही है जिसपे या तो आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा या आपका नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल आयन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। दैट मीन्स इस रिएक्शन में जब मेटल किसी लिगेंड से रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स यहां पे ये आपका बिहेव कर रहा है एज ए लुइस सॉरी एसिड की तरह, किस तरह से बिहेव करता है बच्चों, लुइस एसिड की तरह, गलती से लिखा गया लुइस एसिड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में एसिड बेस के लिए, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो तो होता है लुइस बेस और जो एक्सेप्ट करता है वो लुइस एसिड होगा। तो मेटल आयन जो होते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर वो ऑलवेज बिहेव करते हैं आपके एज ए लुइस एसिड की तरह से, ठीक है।
फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम थर्ड टर्म पे मूव करेंगे, दैट इज जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं यहां पे एग्जांपल के फॉर्म में कोबाल्ट NH3 का होल 6-3 पॉजिटिव हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोबाल्ट जो होता है वो आपका यहां पे है मेटल आयन। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहां पर हो गया, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टर्म, दैट इज लिगेंड। चलिए हो गया, नाउ मूव करते हैं हम थर्ड टर्म पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, दैट इज लिगेंड। लिगेंड अगर हम बात करें लिगेंड की, तो लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, सिंपल, या यू कहें दोज स्पीसीज आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जो भी हो, ठीक है, दोज स्पीसीज आइदर न्यूट्रल हो, चाहे से वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो, चाहे से वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो, चार्ज उस पर कोई भी हो या वो न्यूट्रल हो, कंटेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, कंटेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, हमारे पास में ऐसी कोई भी स्पीसीज हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, नेगेटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, बट उसके पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो स्पीसीज आपकी बिहेव करती है एज ए लिगेंड। बिकॉज जिन भी स्पीसीज के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा, तो वो स्पीसीज आपकी कैपेबल होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। ठीक है, आर नोन एज लिगेंड्स। तो उन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। एक मिनट, अब देखिए मैं आपको ऐसी स्पीसीज बता रहा हूं कौन कौन सी हो सकती है आपके पास में। देखिए यहां पर, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि टोटल आपके पास में ये तीन तरह की स्पीसीज हो सकती हैं, आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड, या फिर हो सकती है वो आपकी न्यूट्रल, ठीक है, या वो आपकी हो सकती है पॉजिटिवली चार्ज्ड भी। ठीक है, एग्जांपल्स देते हैं फटाफट से, वो एग्जांपल्स यहां पे मैं आपके सामने ले रहा हूं, जो एग्जांपल्स आपको लर्न भी करने हैं साथ के साथ, उनके नेम लर्न करने हैं और उनपे प्रेजेंट चार्ज भी लर्न करना है, क्योंकि जब तक आप इन लिगेंड्स के नेम और चार्ज लर्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको IUPAC नेमिंग जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और फर्दर आगे चैप्टर जो जो पढ़ेंगे ना, उनमें आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे बेटर है, जब भी चैप्टर में आपको बोल रहा हूं इनिशियली, कि जब भी चैप्टर को आप आगे की ओर मूव ऑन करेंगे, तो उससे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ लिगेंड्स विद दियर चार्जेस, उनके चार्ज और लिगेंड्स के नेम आपको लर्न होने ही चाहिए, और ये पहले आपको करने पड़ेंगे। जैसे आप ये लर्न कर लेते हैं, तो आपके लिए आगे का चैप्टर जो है थोड़ा सा इजी बनता हुआ चला जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से नेगेटिवली चार्ज कौन कौन से लिगेंड्स हमारे पास में होते हैं यूजफुल, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, हमारे लिए काम आने वाले हैं। दैट इज Cl नेगेटिव, जिसपे चार्ज कितना है -1, इसे हम कहेंगे क्लोरो। Br नेगेटिव कहेंगे ब्रोमो। आयोडीन नेगेटिव कहेंगे आयोडो। फ्लोरीन नेगेटिव कहेंगे फ्लोरो। OH नेगेटिव इसे कहेंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है, क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सो OH नेगेटिव लिगेंड्स को। Cn नेगेटिव क्या कहेंगे इसे? साइनो। NC नेगेटिव इसे क्या कहेंगे? आइसोसाइनो। ठीक है, ये कुछ लिगेंड्स हैं जिन पे आपका चार्ज कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, SCN थायोसाइनो, क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो। ठीक है, ये कुछ लिगेंड्स हैं जिन पे आपका -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी है काफी, O2 माइनस है आपका। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्सो। ठीक है, N3 नेगेटिव है इसे कहेंगे एजाइडो। ठीक है, NH2 नेगेटिव है इसे कहेंगे अमीडो। NH2 नेगेटिव इसे कहेंगे इमीडो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में होगा SO4 2- इसे कहेंगे सल्फेटो। CO3 2- इसे कहेंगे कार्बनेटो। ठीक है, और H- इसे बोलेंगे हाइड्रेटो।
तो ये कुछ लिगेंड्स आपके होंगे यूजफुल लिगेंड्स जिन्हें आपको लर्न करना है, ठीक है। इन सभी पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस वन चार्ज है, इस पे आपका टू माइनस चार्ज है, इस पे थ्री माइनस चार्ज है, ठीक है, इस पे माइनस वन चार्ज है, इस पे टू माइनस है, टू माइनस है, टू माइनस है, वन माइनस है, ठीक है। इसके अलावा एक लिगेंड्स और होंगे जो आपके काम में आने वाले हैं, दैट इज हमारे पास में एक रह गया आपका एस टू माइनस, सल्फिडो बोलेंगे आप इसे, क्या बोलेंगे, सल्फिडो, ठीक है, सल्फर पे टू माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, इनके सबके नेम विद चार्ज आपको लर्न होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की, देखिए कौन कौन से होते हैं, CO इसे कहेंगे कार्बोनिल, ठीक है, PH3 ठीक है, इसे कहेंगे हम फॉस्फिन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होता है इथेन 1,2-diamine CH2CH2NH2NH2, ठीक है। आप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डोनर एटम कौन सा होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने क्या कहा था आपसे, ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए, उन्हें कहेंगे हम लिगेंड्स। देखिए सबके पास में नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन सबके सब क्या है, लिगेंड्स है। यहाँ पर सबके पास में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है कार्बोनिल में, ठीक है। आगे बात करें, इसे कहेंगे इथेन 1,2-diamine, क्या कहेंगे, इथेन 1,2-diamine, इथेन 1,2-diamine को शॉर्ट फॉर्म में बच्चों में बोलते हैं EN, क्या कहते हैं, EN, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, इसमें एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपका होता है ऑक्सलेटो, क्या होता है, ऑक्सलेटो, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड C डब्ल्यू एच, इसमें से H प्लस आइन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास में नेगेटिव नेगेटिव आइन बचेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, ऑक्सलिक एसिड से बना है ऑक्सलेटो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में इथेन 1,2-diamine यानी कि EN, इसमें दो डोनर एटम आपके पास प्रेजेंट है, ऑक्सलेटो में भी आपके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट है, CH3NH2, इसे कहेंगे मिथाइल अमीन, क्या कहेंगे, मिथाइल अमीन, ठीक है। लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें भी आपके पास में, वॉटर H2O, इसमें ऑक्सीजन आपका डोनर एटम है, इसे कहेंगे क्या, एक्वा, क्या कहेंगे, एक्वा, एक्वा मतलब वॉटर, ठीक है। और NH3 यानी कि अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसे कहेंगे अमीन, क्या कहेंगे, अमीन्स, ठीक है। तो आपको इनके प्रॉपर नेम जो है वो लर्न करने हैं, जैसे कभी भी वॉटर को H2O को वॉटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपन IUPAC नेमिंग में क्या लिखेंगे, एक्वा, NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमीन, ठीक है। मिथाइल अमीन, इथेन 1,2-diamine, फॉस्फिन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं इसका, NO, क्या हो गया, नाइट्रोसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिल, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स आपके पास में है न्यूट्रल वाले, ठीक है, जिनपे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, पॉजिटिव में भी एक आधा आपके पास होता है, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम बोलेंगे इसे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज आपके पास में जो भी लिगेंड्स होंगे, इनपे लॉन्ग पे प्रेजेंट होगा आपका, तो उनमें आप देखेंगे कि आपके पास में IUM सफिक्स के फॉर्म में लगेगा, जबकि जितने भी नेगेटिवली चार्ज आपके पास में लिगेंड्स होंगे, सबके लास्ट में O लग रहा है सफिक्स के फॉर्म में, क्या लगता है, यहाँ पे सफिक्स, यहाँ पे आपके पास सफिक्स लगता है O, जबकि इनमें लगता है सफिक्स आपके पास में IUM, जबकि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, या तो NO पॉजिटिव होगा या NO2 पॉजिटिव होगा, ये सब आपके पास होंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनमें आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यानी एक ऐसा डोनर एटम प्रेजेंट रहेगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दैट मीन सिंपल से डेफिनेशन बन गई, दोज स्पीसीज विच कंटेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे आपका पॉजिटिवली चार्ज हो, तो उन्हें कहेंगे हम लिगेंड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स के नेम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा, टेबलर फॉर्म में, ये आपको नेट वगैरह पे भी, गूगल वगैरह सर्च करने पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप फटाफट से एक टेबलर फॉर्म में इन सबके नेम विद इनके चार्ज इनको लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम लोग IUPAC नेमिंग, VBD थ्योरी, CFD थ्योरी को डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे लिगेंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर और लिगेंड्स की, जो स्पेशल टाइप के लिगेंड्स हमारे पास होते हैं उनके बारे में, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
एक चीज और, ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि लिगेंड्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अभी यहां पे बात करेंगे एग्जांपल की, कोबाल्ट है आपके पास में, सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो पीछे लिया था, एनएस थ्री का हॉल सिक्स है, थ्री पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है, वी नो दैट कि यहां पे कोबाल्ट क्या है आपका मेटल आयन है जिसपे चार्ज कितना प्रेजेंट है, थ्री पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मींस इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लुईस इफ एनी स्पीसीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इट इज लुईस एसिड, इसे हम लुईस एसिड कहते हैं, सिंपल। अब इसका कॉन्टेक्ट जो है, ऐसी इस रिएक्शन जो है वो किससे हुई, यहां पे अमोनिया से हुई है, किससे हुई है, अमोनिया से। देखिए यहां पे केवल दो ही स्पीसीज है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज्ड पार्ट है, इसका मतलब ये पार्ट हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहां पे अमोनिया जो है ना वो यहां पे आपका क्या है, डोनर एटम है, इसमें कौन सा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन है यहां पे, डोनर एटम, बिकॉज इस नाइट्रोजन एटम पे आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। मैंने कहा था वो स्पीसीज जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट करेगा, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और बनने वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि किसी मेटल पे अगर चार्ज पॉजिटिव वन है तो वहां पे दो डोनर एटम चाहिए होंगे, रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब मेटल पे चार्ज पॉजिटिव होता है ना बच्चों, तो यहां पे आपका एक लिगेंड अगर इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के बीच शेयरिंग स्टेट में होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कंप्लीटली आपका वैकेंट है ऑर्बिटल, इसीलिए एक और डोनर एटम की नीड यहां पे पड़ती है, तब जाके ये आपका उससे सेटिस्फाई हो पाता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज किसी मेटल में प्रेजेंट है तो कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब उसे दो डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देंगे, क्यों, बिकॉज एक अगर डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, इसे ट्रांसफर तो कर रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयरिंग स्टेट में भी है, क्योंकि अगर कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ये कर दे तो फिर ये इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है, टोटल थ्री, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन और ऐड करके ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है अपना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्टेट में रहेगा, दैट्स व्हाई एक पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली यहां पे मुझे दो डोनर एटम चाहिए होते हैं जिससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए, तो थ्री पॉजिटिव के अकॉर्डिंग मुझे छह चाहिए होंगे, वन पॉजिटिव पे टू लिगेंड्स, टू पॉजिटिव पे फोर लिगेंड्स, थ्री पॉजिटिव पे सिक्स लिगेंड, इसीलिए यहां पे अमोनिया में छह मोल लिए हैं, ठीक है। तो ये डोनर एटम यहां पे नाइट्रोजन है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दैट मींस ये जो आपका स्पीसीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस उन्हें हम कहते हैं लुईस बेस। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझनी है कि स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज पार्ट जो है वहां पर आपके दो स्पीसीज होती है, मेटल एंड लिगेंड, जहां पे मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और बिहेव करता है एज ए लुईस एसिड, और यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो आपकी वो स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और बिहेव करती हैं एज ए लुईस बेस, इसीलिए लुईस बेस मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और बनने वाला स्पीसीज या कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली एक और डेफिनेशन की, जो लिगेंड्स के अंदर होती है वो डेंटिसिटी, क्या होती है डेंटिसिटी, डेंटिसिटी वर्ड का मतलब यहां पर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन लिगेंड। अब लिगेंड के बारे में आप जानते हो वो स्पीसीज जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, तो किसी भी स्पीसीज के अंदर कितने एटम ऐसे प्रेजेंट हैं जो कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाएगी। एग्जांपल्स लेते हैं, चलो देखिए हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया NH3, तो बताइए इस स्पीसीज के अंदर ऐसे कितने एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दैट इज वन एटम, कौन सा है, नाइट्रोजन। तो यहां पे आपका डोनर एटम कितना है, वन, इसलिए इसे कहेंगे हम मोनोडेंटेट, क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट, मतलब इसकी डेंटिसिटी जो है वो ओनली वन है, क्योंकि यहां पे एक ही डोनर एटम आपका प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे कहा गया मोनोडेंटेट। सेम एज H2O। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीजन पे लोन पेयर दो प्रेजेंट है माना, बट
ऑक्सीजन एक सिंगल एटम है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पूरे में, पूरे स्पीसीज में केवल ऑक्सीजन ही डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, हाइड्रोजन नहीं कर सकता। दैट मीन्स यहां पे डोनर एटम तो एक ही है, हालांकि इसके पास इलेक्ट्रॉन फोर है, पेयर टू है, बट डोनर एटम एक ही है। इसे भी हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट। डोंट गेट बी कंफ्यूज कि अगर अमोनिया पे एक लोन पेयर है तो एक डोनर एटम है और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर तो दो, नहीं, एटम तो एक ही है लेकिन लोन पेयर टू है, लोन पेयर एक है, एटम वहां भी एक ही है। हमने इस पे से डेफिनेशन में स्पेसिफाई किया भी है कि कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी आइडेंटिसिटी होगी, ठीक है। ऐसे सीएल नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और डोनर एटम कितना है, एक ही है, तो इसका मतलब ये भी आपका मोनोडेंटिटी हुआ। बात करें इथेन 1,2 डायमीन की, देखिए CH2NH2 एंड CH2NH2 देखा आपने, ठीक है। अब बात करें इसकी, इसको मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले ईएन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईएन मतलब इथेन 1,2 डायमीन। बताइए इसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, दो है, इसका मतलब इसे हम कहेंगे डाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। एक एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपने, ऑक्सैलिक एसिड के आयनाइजेशन से बना है, इसे कहते हैं ऑक्सलेटो। क्या कहते हैं, ऑक्सलेटो। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओएक्स से, किससे, ओएक्स, ओएक्स मतलब ऑक्सलेटो। कितने डोनर एटम यहां पे भी दो हैं, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, टोटल दो डोनर एटम है, इसका मतलब डेंसिटी कितनी, टू, इसे भी हम डाइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, एनएच CH2 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 NH2 एंड NH2, ठीक है, इसे कहते हैं डाई इथाइल। देखिए इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है आपका, ठीक है, और इस तरफ भी, ठीक है, डाई इथाइल ट्राइअमीन। क्या कह रहे हैं, ट्राई अमीन। अब ट्राई अमीन इसका मतलब एक दो तीन, कितने डोनर आइटम है टोटल यहां पे, तीन डोनर आइटम है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेट। क्या कह देंगे, ट्राइडेंटेट। सिंपल सी बात है, जितने किसी भी स्पीसीज में प्रेजेंट होंगे डोनर एटम उसके अकॉर्डिंगली उसका हो जाएगा नेम। एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, दो है तो डाइडेंटेट, तीन है तो ट्राइडेंटेट, छह है तो हेक्साडेंटेट। एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट से, यहां से मैं रफ कर रहा हूं, देखिएगा इसको ऊपर से, ठीक है। एग्जांपल लिया अपन एक EDTA, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन का मतलब कितना होगा, CH2 CH2, देखो नाम क्या है इसका, इथाइलिन डायमीन। टी का मतलब टेट्रा और एक का मतलब एसीटेट आयन, ठीक है। इथाइलिन मतलब दो कार्बन हो गए, डायमीन का मतलब दो नाइट्रोजन हो गई, टेट्रा का मतलब CH2 CH2, एसीटेट बोल रहा है तो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एसिटिक एसिड होता है ना, दो कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसमें से एच प्लस आयन निकाल देंगे तो एसीटेट आयन बचेगा आपके पास, CH2 CH2 सी डबल ओ नेगेटिव सी डबल ओ नेगेटिव, ठीक है, ये देखिएगा। तो इस तरह से आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो देखिए क्या हुआ कि एक दो तीन चार टोटल आपके पास में फोर नेगेटिव आयंस हो गए और दो नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पे टू एटम्स तो ये हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, फोर ये हैं, टोटल कितने हो गए, सिक्स डोनर एटम हो गए हैं, ठीक है, सिक्स हो गए हैं आपके पास में डोनर एटम, तो इसे कहेंगे हेक्साडेंटेट। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया किसी भी स्पीसीज के पास कितने होंगे डोनर एटम उसके अकॉर्डिंगली उसका हो जाएगा नेम, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आपका पास में डेफिनेशन रह गया डेंटिसिटी का। चलिए फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं अगेन लिगेंड को, हो गया। चलिए एक चीज और बच्चों, मैं काफी चीज से नोट कर रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं जो शायद स्किप कर करके वीडियो को स्टडी करते हैं, तो ऐसा ना करें, बिकॉज टीचर जो यहाँ पे बोर्ड पे रिप्रेजेंट करता है आपको जो कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दैट मींस आप टीचर को प्रॉपर सुनिए हर एक बात को कि वो आपको किस तरह से किस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ज्यादा बेटर होता है। मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा, अदर टीचर जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, हमेशा टीचर को पूरा लिसन कीजिए, जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग होगी उतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि टीचर आपको जो बोल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेरिजन नोट्स की, ठीक है, क्योंकि टीचर आपको उन नोट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है कि ये कैसे होगा, तो वो ज्यादा जरूरी होता है सुनना। तो कंप्लीट वीडियो को आप देखिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है, ऐसे नहीं कि स्किप करते हुए आप इसे स्टडी कर रहे हैं तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज आप आधी बातें सुनेंगे आधी बातें नहीं सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है इतने इजिली क्लियर नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन आती है, दैट इज आती है हमारे पास में एमबी
डेंटेट लिगेंड्स की, एम्बी डेंटेट लिगेंड। अगर हम बात करें एम्बी डेंटेट लिगेंड्स की तो हम क्या कहेंगे, दोज लिगेंड्स। अब लिगेंड्स वर्ड का मतलब आपको पता ही है, डोनर स्पीसीज विच फॉर्म लिंकेज और यू कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या जो कि मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या लिंकेज बनाते हैं, ठीक है, लिंकेज और कोऑर्डिनेट फॉर्म फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, यानी कि उनके पास में दोनों एटम्स होते हैं, वो सारे के सारे डोनर एटम होते हैं, दैट मींस वो किसी भी साइड के साथ में आपके मेटल के साथ में लिंकेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये बात मैंने आपको चैप्टर 10 हेलोवेल्केंस एंड हेलोरिंस में भी बताई थी, क्या कि मेटल पे अगर चार्ज पॉजिटिव है और लिगेंड आपका CN है तो कार्बन पे चार्ज नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देकर किसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एज वेल नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो मेटल से जब लिंक बनेगा CN का, साइनाइड का, तो इसे कहेंगे साइनाइड, मेटल साइनाइड, और जब मेटल के साथ लिंकेज बनता है नाइट्रोजन का तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। ऐसा ही एग्जांपल मैंने आपको बताया था मेटल के साथ में NO2 का, ठीक है, और या फिर ONO का, ठीक है बच्चों। एक और बात, एक और लिगेंड जो आपके नेगेटिव लिगेंड्स की मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उसमें दो लिगेंड और ऐड कर लीजिएगा, ये दोनों NO2 नेगेटिव से बोलते हैं नाइट्रो और ONO नेगेटिव से बोलते हैं नाइट्रीटो, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से अगर लिंक बनता है तो इसे बोलेंगे नाइट्रीटो, कौन सा, एन नाइट्रीटो, क्या कहेंगे इसे, सिंपली एन नाइट्रीटो, क्या कहेंगे, एन नाइट्रीटो, ठीक है। जबकि ओ से लिंक करेगा तो बोलेंगे ओ नाइट्रीटो, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल एक लेते हैं SCN, ठीक है, मेटल से लिंक करता है सल्फर तो बोलेंगे थायोसाइनेटो, और मेटल से लिंक करता अगर NCS तो बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो या बोलेंगे थायोसाइनेटो। तो टोटल आपके पास में तीन एग्जांपल हैं जो कि आपके एग्जांपल हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के, क्या है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, एन नाइट्रीटो एंड ओ नाइट्रीटो, ठीक है। ये आपके पास में थ्री लिगेंड्स हैं जिनके अंदर ये होता है कि ये अपना लिंकेज जो है मेटल के साथ या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है मेटल के साथ में वो दोनों साइड से बोथ साइड से कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन आती है, वो आती है आपकी किलेट लिगेंड्स की, किसकी, किलेट लिगेंड्स। अब देखिए किलेट लिगेंड्स होते क्या है, दोज लिगेंड्स विच आर अरेंज्ड विथ मेटल इन सच ए मैनर दैट, इन सच ए मैनर दैट दे विल फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्या बन जाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज किलेट लिगेंड। बहुत सिंपल सी बात आपको मैंने यहां पर कही कि ऐसे सभी लिगेंड्स, ठीक है, वो सारे लिगेंड्स जो आपके अरेंज होते हैं मेटल के साथ, ऐसे सभी लिगेंड्स जो आपके अरेंज होते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में, और मेटल से अरेंज होकर के इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो आपके उसके साथ में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, या यू कह दें आप साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्या कह सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। मे बी लिटिल बिट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया होगा अभी, ठीक है, ड्यू टू स्पैरोस, बट देखिए अभी वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कह रहा हूं आपसे, कि वो सारे लिगेंड्स, ठीक है, यानी वो सारी डोनर स्पीसीज या कोई भी ऐसा डोनर स्पीसीज हो, वो जो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, ऑब्वियसली हमें पता है कि हर एक लिगेंड स्पीसीज जो होती है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में वो आपके मेटल के साथ में इस तरह से अरेंज हो जाती है कि वो एक साइक्लिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं किलेट लिगेंड्स। एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए मेटल पे चार्ज पॉजिटिव है, मैंने यहां पे लिगेंड इसको दिए, प्रोवाइड किए अमोनिया के दो मोल्स, तो आपको पता है ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा और इससे क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा इससे क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से कोई भी एक साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, दैट मींस ये लिगेंड आपके किलेट लिगेंड नहीं है, सिंपल, ठीक है, नहीं है,
चलिए तो देखते हैं कौन से लिगेंड्स क्लेट लिगेंड हो सकते हैं। मेटल पे चार्ज पॉजिटिव है, मैंने यहां पे लिया है इथेन 1,2 डायमीन वाला लिगेंड्स। कौन सा लिया है? इथेन 1,2 डायमीन, यानी कि EN, जिसपे दो डोनर एटम प्रेजेंट है, यानी कि ये कौन सा लिगेंड है? डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड इसे कहेंगे। पर ये अगर इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन, तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसके साथ में। ये नाइट्रोजन भी इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा आपका। ठीक है, अब बताइए, देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी। देखिए कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई ना, इसका मतलब ये लिगेंड जो है वो कौन सा लिगेंड है आपका? कीलेट लिगेंड है। ठीक है, समझ गए। एंड द रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनी, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड नोन एज किलेट रिंग, तो उसे क्या कहेंगे अपन? किलेट रिंग। एंड द प्रोसेस एंड द फिनोमिना बोल सकते हैं, फिनोमिना इज नोन एज किलेशन। ठीक है, किलेट रिंग या किलेट साइक्लिक रिंग बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? किलेशन। जो लिगेंड किलेट रिंग बनाते हैं उन लिगेंड्स को कहेंगे किलेट लिगेंड्स, और जो हमारे पास रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है इसे कहेंगे किलेट रिंग। क्या कहेंगे? किलेट रिंग। ठीक है, तो समझ में आया, किलेट लिगेंड होने के लिए कम से कम डाइडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मेटल के पास चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, और यहाँ पे आपके पास में ऑक्सलेट आयन हो, कौन सा हो? ऑक्सलेट आयन, कौन सा है? यहाँ पे भी देखिए आप, ये वो लिगेंड है जिसके पास दो डोनर स्पीसीज है, यानी इसके पास भी दो डोनर एटम्स हैं, ये भी डायरेक्टेड लिगेंड है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे भी आपकी साइक्लिक रिंग बनी कि नहीं बनी? बनी। इसे कहेंगे किलेट रिंग, इस लिगेंड को कहेंगे किलेट लिगेंड, इस प्रोसेस को कहेंगे किलेशन। ठीक है, तो हमारे पास में ये कुछ डेफिनेशंस थी इंपॉर्टेंट, डेंटिसिटी, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, किलेट लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, और किलेट लिगेंड जो होते हैं ना बच्चों, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड को स्टेबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं? स्टेबिलिटी, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन ही रहा है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट तो बन ही रहा है, साथ के साथ में साइक्लिक रिंग भी बन रही है, जिससे आपके एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो किलेट लिगेंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डोनेट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट थर्ड जो है लिगेंड्स वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो कुछ टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, रेस्ट ऑफ टर्म्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा, जो भी आपके कुछ सजेशंस हो वो डालते रहिएगा मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।